नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ सोनी चौहान और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ रामोत्सव की खास पेशकश लेकर। तो देखिए रामोत्सव में आज क्या है खास। तो आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि रामोत्सव यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर है और यहां 22 जनवरी के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। वैसे ही मंदिर के निर्माण पर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं और हर कोई एक बार राम भगवान को पास देखना चाहता है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होते ही आम आदमी अगले दिन से मंदिर के दर्शन कर सकता है। मंदिर निर्माण की बात करें तो मंदिर में जो तेज़ गति से तीव्रता या भूकंप के झटकों को लेकर, वहीं मंदिर में 1000 साल तक भी टिका रह सकता है, ये सारे इस तरीके से इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। आप भी चौंक गए होंगे लेकिन ये सच है। चलिए अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की क्या खासियत है, मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। रामनगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य महीनों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, प्रभु राम का मंदिर भव्य आकार लेता जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर मंदिर की विशेषताएं भी बताई हैं, जो बेहद खास हैं। कुल 20 पॉइंट्स में बताया गया है कि राम मंदिर की क्या क्या खासियत है, राम मंदिर के निर्माण में किन बातों का ख्याल रखा गया है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में हर कोई राम मंदिर की एक झलक पाने को बेकरार हो रहा है। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। राम जन्मभूमि में बन रहा मंदिर 3 मंजिला रहेगा, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट की होगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु राम का बाल स्वरूप श्री रामलला सरकार का विग्रह होगा। मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप होंगे। खंभों की दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्ति उकेरी जा रही है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन व वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, गणपति भगवान विराजे हैं। भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त मंदिर, निषाद राज मंदिर, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे।
दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है। अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नान घर, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरा के अनुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर की कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरित रहेगा। 16 जनवरी से ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी से मंदिर निर्माण कार्य एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर निर्माण में लगे 7,000 से अधिक कर्मचारियों को इस बारे में संकेत भी दिए जा चुके हैं। बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिला प्रशासन व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक लगातार चल रही है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की सुरक्षा मकर संक्रांति के बाद से SPG के हवाले होगी। हालांकि देश की सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां व खुफिया एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं और सुरक्षा का पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन SPG को विशेष तौर पर यहां श्री राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बन रहे राम मंदिर की विशेषताएं वाकई बेहद अनूठी हैं, जो इससे पहले किसी मंदिर में दिखाई नहीं पड़ी। अयोध्या सज रही है, नगर की गली कूचे भी चमकाए जा रहे हैं, उत्सव का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर के 7,000 से ज्यादा VIP मेहमान पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर की छटा देखने वाली होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, K News India। तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से इसी तरीके से तैयार किया गया है ये राम मंदिर, और सारी व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2017 के बाद 62 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और कुछ लोग इसमें सियासी नजरिया तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। CM योगी को के नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि वो इसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं और गोरक्षपीठ की 4 पीढ़ियों के सपनों को साकार करने का अवसर मानते हैं। इसीलिए यहाँ के पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए विशिष्टताओं से जोड़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए जुटे रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो तप और साधना त्याग CM योगी आदित्यनाथ और लाखों संत महंतों कार्य सेवकों ने की, उसका फल अब मिलने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यो बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गला रुंधा है पर आंख से आंसू बहने बाकी थे, जुबा पर राम का नाम था, राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबा भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष
जिसे गोरक्षपीठ ने जिया, देखा और महसूस किया। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था, और एक प्रेम आज रामलला और सीएम योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ गोरक्ष की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है, उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्त के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की। ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है, कि जब राम भगवान रामलला जो हैं, जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो ले के गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्षपीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं इस आंदोलन के। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैद्यनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूला हो, जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थाई टेंट में बैठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था, जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। अयोध्या सज रही है, समर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाट की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4-5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। ये पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने, तो ये कौन जानता था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन देखिए भाव उनका, उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजयनाथ जी ने देखा, अवैधनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तभी कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज की करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव और रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ, ऐसे पूज अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ जी महाराज और वर्तमान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। टाट से ठाट में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लाद थे, प्रसन्न चित्त हैं, और पूरे देश में राम भक्त के तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युग अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो ये इंतजार छोटा नहीं था, 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, तैयारियां चरम पर है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हर कोई उत्सुक है उस क्षण का भागीदार बनने के लिए। हिंदू धर्म में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो चुकी है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कई अनुष्ठान होंगे। राम मंदिर के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 14 जनवरी से अयोध्या में योगी सरकार हर रोज यूपी समेत देश के नामचीन और नवोदित 500 प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराएगी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद जिस राम राज्य का सपना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा था, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 की तारीख विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी जिस राम राज्य का सपना सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने से पहले देखा था, वो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ सम्पूर्ण होगा, जिसके लिए पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अनुष्ठानों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी से अयोध्या को पूरी तरह से राममय बनाने की तैयारी की गई है। इसके लिए हर रोज 500 कलाकारों को अयोध्या के मंच से मौका मिलेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आने के साथ ही योगी सरकार पूरे प्रदेश का माहौल राममय बनाने में जुटी है। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनने वाले मंच भी रामायण से जुड़े प्रसंगों पर होंगे। इन पर देश प्रदेश के नामचीन नवोदित 500 प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शहर के कई प्रमुख स्थानों, पौराणिक स्थलों, चौराहों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। संस्कृति विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक श्री राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर राम की पैड़ी में पुरुषोत्तम मंच, भजन संध्या स्थल पर सरयू मंच, सांस्कृतिक सकुशल प्रेक्षागृह में भरत मंच, राम कथा पार्क में काग भुशुंडी मंच, तुलसी उद्यान में तुलसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्देश दिया गया है। शहर में रामकथा और राम लीलाओं के साथ ही रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली व चित्रकला और कुछ प्रतियोगिताएं होंगी। दिगंबर अखाड़ा, वाल्मीकि मंदिर नया पुरवा, वेद मंदिर, मौनी बाबा मंदिर, जानकी महल, राम जानकी मंदिर, जालपा माँ मंदिर, गुप्तार घाट, रामानंद आश्रम निकट छोटी छावनी, वाल्मीकि भवन, सूर्य कुंड समेत कई स्थानों पर 14 जनवरी से 24 मार्च तक भजन कीर्तन, रामायण रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड आदि कार्यक्रम के आयोजन की भी भव्य तैयारी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि में 1111 संघों का वादन करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाना प्रस्तावित है। इसके लिए NCZCC व IGNCA की मदद ली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस प्रकार के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कण कण में व्याप्त राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परंपरा को और निखार कर पूरे प्रदेश को राममय बनाने की तैयारी है। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच पर रामायण से जुड़े प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। योगी सरकार हर रोज यूपी समेत देश के नामचीन और नवोदित 500 प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराएगी।
साथ ही रामनगरी के कई प्रमुख स्थानों 25 पौराणिक स्थलों चौराहों पर भी शहर के प्रमुख 25 पौराणिक स्थलों चौराहों पर भी सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इसमें नामचीन और नवोदित प्रतिभाएं भी अपनी कला दिखाएंगी। शंख वादन के साथ सामूहिक सरयू आरती सौष्ठव कलाओं के प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड भी यहां बनेगा। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर जिला प्रशासन और सरकार लगातार तैयारियां दुरुस्त कर रही है। सीएम योगी खुद एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। 500 से ज्यादा वर्षों का तप अब पूरा होने को है, जो कभी न मिटने वाले सुनहरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दिनेश शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। रामोत्सव का रुख करते हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को अयोध्या में कहीं पर भी आने जाने में कोई समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था को भी हाईटेक किया जा रहा है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल सिटी का दर्जा मिल रहा है और ऐसे में अयोध्या को ट्रैफिक व्यवस्था इंटरनेशनल के आधार पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त की गई हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बस से लेकर ई कार की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी और इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर आप भी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार ने आपके लिए खास व्यवस्था की।
ये दिल्ली से मतलब क्या है पर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये रखी गई हैं और ये राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है, उसी को मतलब टूरिस्टों के लिए घुमाने के लिए लाई गई हैं और इस पे एक ऐप चलेगा ईवी प्लस के नाम से, उसी पे आप बुक कर सकते हैं। अभी एक स्टिकर लगा हुआ है, उसको स्टिकर उस पे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, उससे भी बुक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी अयोध्या कैंट पर, अयोध्या जंक्शन पर भी दो जगह आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। एयरपोर्ट पे राम मंदिर ढलाएंगे आपको, कैंट अयोध्या जंक्शन जहाँ बोलेंगे आप घूम लेके जाएंगे मतलब अयोध्या भर में, इसलिए हम यहाँ पे आए ड्राइविंग करने। कौन सी गाड़ी किस लिए है? टू वाली ट्रेवल्स के लिए। ये कौन क्या रहेगा इसका पूरा चार्ज या कहाँ कहाँ? ये भी बर्फ वाले हमको दिए हैं, दिल्ली की गाड़ी है सर, दिल्ली से आई है गाड़ी है सब, और इसका चार्ज है 10 किलोमीटर का 250 रुपये और 20 किलोमीटर का है 400 रुपये। बता दें 22 जनवरी के पहले 12 इलेक्ट्रिक कार अयोध्या में और आएंगी। अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन युक्त ई व्हीकल परिवहन सुविधा से लैस किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से रामपथ से गुप्तार घाट, नया घाट, भरत कुंड के लिए 38 इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अयोध्या को सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बस इंतजार है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। दिनेश शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। के न्यूज की खास पेशकश में इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।